तो हम लोग अभी निकल गए हैं कुछ जगह विजिट करने के लिए। फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं सीता देवी टेम्पल। एक्चुअली ये जगह बहुत ही फेमस है और मुझे बहुत टाइम से मन था यहाँ पे जाने का। बहुत कम लोग हैं जो लोग ये जगह विजिट किए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ हमारे पुराण के कुछ चीज़ें जुड़े हुए हैं और मुझे पर्सनली ये मेरे बकेट लिस्ट में था कि मैं जब भी वायनाड आऊँ सीता देवी लवकुश टेम्पल ज़रूर विजिट करूँ। सीता देवी टेम्पल के सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेम्पल बंद है। फिर शाम को 5:30 को ही खुलेगा। 12:30 to 5:30 बंद रहता है, ये मुझे पता नहीं था। मैं प्रॉपर चेक किया था, लेकिन मुझे 6 AM to 5:30 PM दिखा रहा था। ये जगह विजिट करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर टेम्पल खुला रहता तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे आप लोगों को तो पता चल गया कि ये टेम्पल बंद रहता है 12:30 to 5:30 PM, इसीलिए जब भी सीता देवी टेम्पल प्लान करेंगे या तो बिफोर 12:30 आइए या आफ्टर 5:30 आइए। ये जगह आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे माँ सीता लव और कुश के साथ थोड़ा टाइम तक थे, और इस जगह के बारे में जितना भी बात करूं कम पड़ जाएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो सारे इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ पे लोकल लोगों से बात करके पता चला है, वो इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको लीचेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लव या कुश को एक लीच ने काटा था। तब सीता देवी का माँ सीता का कर्ज था कि इस एरिया में कुछ भी लीचेस नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। एक ऐसे जगह में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जगह आप लोगों के बकेट लिस्ट में रहना ही चाहिए। आप लोग जब भी वायनाड आए ये प्लेस ज़रूर विज़िट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली विजिटेड प्लेस नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया तो आप अपने बकेट लिस्ट में रखिए इस जगह को ज़रूर। और अभी ये जो टेम्पल के सामने मैं खड़ी हूँ, ये लव और कुश का टेम्पल है। तो एक एक तो डिससेटिस्फेक्शन रह ही गया, क्योंकि टेम्पल खुला रहता तो सच में बहुत अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं ये जगह को विज़िट कर पाई, इस जगह पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर पाई। Thank you.
अभी हम एडिक्कल केव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रिप पूरा डिजास्टर हुआ हमारा। एक्चुअली सीता देवी टेम्पल में मैं शांति के खोज में कुछ ज़्यादा देरी बैठ गई, जिसके वजह से अभी मेरे लाइफ में अशांति आ गया, क्योंकि थोड़े देर में केव बंद हो रहा है और उतना देर वहाँ पे रुकने के वजह से अभी मुझे 1 किलोमीटर वॉक करना है, उसके बाद 380 स्टेप्स चढ़ना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर कि आज हो पाएगा कि नहीं। एडक्कल केव थोड़ा सा बुरा लग रहा है। Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. Still I run toward the wind, and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Nothing is there. Kavunai Medakkal is Malayalam word that means in between stone. Eda in between kal stone. This curve formed by naturally due to the earthquake before 30,000 years back. Natural formation. 6,000 years or new stone age people lived this cave or Neolithic. They done this old pitches for communication or art something. Now we can understand only 20%. See the main figure. Tribal chief or tribal king, face, crown, hands, legs, hands like this, front side, back side, lady, child, peacock, above the circle, round figure sun, sun is the god. See the another round, that is a human face, eyes, nose, elephant, back leg, front leg, trunk, etc. Then one more lady using geometrical figures, triangle and squares. These are 6,000 years old pictures. एडक्कल केव ट्रेक का जो स्ट्रगल था वो वर्थी था इस व्यू को देखने के बाद। इस व्यू के लिए इतना स्ट्रगल तो बनता है। मेरे सारे थकान दूर कर दिया इस नजारे ने। ऐसा लग रहा था मैं सच में हेवन में हूँ।
जस्ट रेडिकल केव का ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस में जिस तरीके से रेडिकल केव को दिखाया गया है, जर्नी उतना इजी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, कुछ जगह पे मैं भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि पॉसिबल नहीं था, मेरे पास बॉडी बिल्ट नहीं था कि मैं कैमरा सेट करके चढ़ूँ। हाथ से, एक हाथ से कैमरा पकड़ के चढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आप जब पार्किंग से आएंगे आपको बोला जाएगा कि 1 किलोमीटर है, बट नहीं, ये 1 किलोमीटर नहीं है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा आपको वॉक करके चढ़ना है और बहुत चढ़ाई है, ठीक है। बोलेंगे 1 किलोमीटर टिकट काउंटर के लिए, टिकट काउंटर के लिए। वो 1 किलोमीटर नहीं है और बहुत काफ़ी चढ़ाई है। हाँ, बहुत स्टीप चढ़ाई है और उतरना भी अप्स एंड डाउन्स। अच्छा, सेकंड है, वहाँ से टिकट काउंटर से आपको बोला जाएगा 200 मीटर और 400 स्टेप्स ही है, लेकिन वो बहुत डेंजरस है। हम मानसून में आए हैं और एनी मिनट स्किड होके गिर सकते थे। और स्पेशली जो यहाँ पे रेडिकल केव दो हिस्सों में है, लोअर केव एंड अपर केव, तो लोअर केव को क्रॉस करके आपको अपर केव जाना है। कुछ जगह पे मैन मेड स्टेयर केस है, कुछ जगह पे नॉर्मली पत्थर के रॉक फॉर्मेशन है, बस आपको चढ़ के जाना है। तो वो इतना डिफ़िकल्ट है, जो लोअर केव में आप जब एंटर करेंगे केव में, वो इतना नैरो पैसेज है, एक्चुअली बहुत टफ होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अगर आप चेन स्मोकर है तो अपने रिस्क पे आइए, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिट नहीं है फिज़िकली, आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रिस्की हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ व्हीकल भी नहीं मिलेगा कि आपको नीचे लेके जाए, अनटिल और अनलेस आपके साथ कुछ मिसअप हुआ है। अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तब भी आप थोड़ा सोच के आइए, क्योंकि वो चढ़ना मुश्किल है। आपको अगर नीस का प्रॉब्लम है आप मत आइए। मैं ये आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारे वीडियो में 2 स्टेप दिखा के रेडिकल केव दिखाया गया है, रेडिकल केव का जर्नी नहीं दिखाया गया है। मैं बहुत कोशिश किया हूँ जहाँ तक पॉसिबल है शूट करूँ, शायद जितना पॉसिबल हुआ है हम शूट किए हैं, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के नहीं जा सकती क्योंकि रिस्की था, मुझे एक टाइम पे तो लगा था कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बारिश हो रहा था और मेरे सामने 2 लोग स्किड होके गिरे, तो वो देख के मुझे लगा था रिस्क लेना सही नहीं है। टफ ज़रूर है, लेकिन वो जो कंप्लीट करने के बाद रिटर्न में वो जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, वो जो एनर्जी है ना, वो अनमैचेबल है सच में। वायनाड आके कुछ लोकल डेलिकेसीज तो ट्राई करना बनता है। एक छोटा बेकरी में मैं ट्राई किया था इला अडा और राइप बनाना भज्जी। दोनों ही बहुत टेस्टी थे, यम था। इसके बाद हम चल दिए मीनमुट्टी वाटरफॉल की तरफ।
हमारा छाता एक्चुअली उल्टा हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मिमुटी वाटरफॉल के तरफ, एक छोटा सा वॉक है। जगह का नाम है मिमुट्टी वाटरफॉल। तो ये बात करते हुए मिमुट्टी मिमुट्टी ऐसा हो गया है, तो काफ़ी अच्छा था, बहुत पसंद आया ये वाटरफॉल मुझे। और मानसून होने की वजह से फ्लो मस्त था। थोड़ा सा केयरफुली चलना है, पत्थर है, बारिश का सीज़न है तो पूरा स्किड होने का थोड़ा सा चांस रहता है, केयरफुली चलना है बस। बहुत अच्छा है। मिमुट्टी वाटरफॉल के बाद हम लोग एक कॉफ़ी शॉप में रुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शॉपिंग के आइटम भी है और दीदी कॉफ़ी बना रही है। और हमारे साथ है शाहनवाज़ भाई। शाहनवाज़ भाई के साथ हम लोग वाइनर्ड पूरा घूम रहे हैं, बहुत अच्छे से घुमा रहे हैं शाहनवाज़ भाई। मैं शाहनवाज़ भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोग वायनाड आते हैं और आप लोगों को कार चाहिए, आप लोग शाहनवाज़ भाई से बात करके कार ले लीजिए। इनके पास बड़ा कार भी है, छोटा कार भी है, तो होपफुली आप लोग इन्जॉय करेंगे। शाहनवाज़ भाई आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अभी जा रहे हैं बानासुरा डैम के पास। यहाँ से टेम्पो ट्रैवलर चलता है जो 18 लोगों को लेके डैम के ऊपर तक लेके जाता है और बहुत बहुत नॉमिनल चार्ज करता है। लेकिन मुझे ऐसे ही एक्सपीरियंस करना था, मुझे वॉक करके जाना था, तो इस वजह से मैं सोचा कि एक वॉक बेटर है इस नेचर को एक्सपीरियंस करना है। तो मॉनसून में क्लाइमेट इतना मस्त रहता है ना, सच में। थोड़ी देर पहले हम लोग जो मिमुट्टी वाटरफॉल के पास थे वो एक्चुअली एक मस्ट विजिट प्लेस है। वायनाड में बहुत सारे खूबसूरत जगह है जो देख के ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक दो दिन का आइटिनरी आपके पास दूंगी इस वीडियो में, जहाँ पे मेन कुछ जगह है जो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं, तो वो सारे प्लेसेस रहेगा। ज़िप लाइनिंग का एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर कीजिए। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए मैं नहीं किया हूँ, लेकिन वो ऑसम रहता है। अगर आपको इंटरेस्ट है ना, आपको करना ही चाहिए एक बार। डैम के पास आ गए हैं। यहाँ पे कुछ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के अभी ऊपर जाना है।
केरला गॉड्स ओन कंट्री फेमस है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, लेकिन वायनाड मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इस माउंटेन को मैं लास्ट दो दिन से कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी जब भी बाहर निकल रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मैं हाथ पकड़ के इसको छू सकती हूँ। फॉग और क्लाउड का जुगलबंदी चल रहा है, एक शांति है यहाँ पे। यहाँ पे आना है तो हड़बड़ी नहीं करना है, इसको साइट सीन जैसा ट्रीट मत कीजिए। थोड़े देर यहाँ पे आराम से बैठिए, बातें कीजिए, अपने बारे में सोचिए, तभी ये जगह पे आने का असली मतलब आपको समझ में आएगा। The rain, arrives, and brings with it new beginnings. Drowning the dryness of the earth, it washes away the mess, drenching the world in its downfall. It makes the slate clear. It empties the gutters of the world and replaces the old foul smells with new, cleansing the world and maybe a few souls. Have you ever stood by an open window during a rain? Close your eyes and breathe it in. Awesome experience, awesome. All new, all better, Start again, अब वक्त है वायनाड को अलविदा करने का। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वायनाड का कहानी कैसा लगा। अगले हफ्ते मिलते हैं कुछ और जगह की कहानी लेके। स्टे ट्यून्ड।